लिखे फेल्योर ऑफ रिवेट ज्वाइंट, वही टॉपिक है अगला। कौन सा टॉपिक बचा है? वही और बुक लाए हैं मेरा। अच्छा हाँ, देखिए बेसिक डिफिनेशन, सही बात। देखिए बेसिक डिफिनेशन, कोई बात नहीं। देखिए बेसिक डिफिनेशन, मेरे पास बुक नहीं है किसी का, लड़के सब ले ले लेते हैं, सब भाग जाते हैं। बेसिक डिफिनेशन लिखिए, ड्राइंग का मेरे पास है तो दीजिए, है तो भूल जाते दे दीजिएगा। एक आपके पास है कि उनके पास है? उनके पास दो होगा लेकिन एक ही बता रहे हैं आपके पास। लिखिए बेसिक डिफिनेशन, फिगर बनाइएगा, ओए फिगर बनाइए। ओए फिगर बनाइए, बताइए कौन सा सिस्टम है? एलिवेटिंग का चेंज वेटिंग है, जिग जैक बनाइए, फटाफट फटाक से बनाइए। अच्छा एक तो आप इसे हाँ फिगर से ही डेफिनेशन आएगा। बनाइए फटाक से भाई, ए वाला मत बनाइए। हो गया चैन, ए बनाइए भाई, बन रहा है सर, बात मत क्या करिए, ठीक है? आपका बेल्ट टूट गया है। अरे किस्मत टूट फूट गया है, बेल्ट के चक्कर में पड़े हैं। किस्मत टूट फूट गया, टूट फूट नहीं गया, चकना चूर हो गया। पूछे उनको फोन करके रो रहे थे, बहुत रो है नहीं जी। हुए हमारे सब चिंतक आपको फोन करके रोएंगे। हो गया, लिखिए लिखिए तो लिखिए नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, रिवेट का सामान्य व्यास हम बता चुके हैं इसको, बताइए किसे कहते हैं? नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, रिवेट का सामान्य व्यास लिखिएगा। लिखिए होल में लगाने से पहले, होल में लगाने से पहले रिवेट के शैंक के व्यास को नॉमिनल डायमीटर कहते हैं, जो मार्केट में उपलब्ध रहता है। होल में लगाने से पहले रिवेट के शैंक के व्यास को नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। शैंक बताइए भाई, शैंक बताया जाए, व्यास शैंक के सामान्य व्यास को नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं शैंक, हो गया समझ आ रहा है ना? अभी होल में नहीं लगाए हैं, नॉर्मल में जो व्यास है वो नॉमिनल डायमीटर। अगला लिखिए ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस मतलब कुल, कुल ग्रॉस प्लैंक कहते हैं, मार देंगे चलाक हो जाएंगे, सही हेड कहते हैं, हेड। फ्लैंक इसमें कहाँ का फ्लैंक है?
गोल्ड फ्रैंक आता है वो, अब इधर उधर दिमाग मत लगाइए ठीक है। आई लिखिए ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस मतलब टोटल होता है, समझ रहे हैं विपुल? हाँ लिखिए ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। हम देखिए क्या बताए थे इधर, समझ देखिए एक क्या है आपका, एक क्या हो गया एक प्लेट हो गया, दूसरा क्या हो गया मतलब एक क्या हो गया दूसरा प्लेट, एक क्या हो गया आपका अरे होल है ठीक है, होल की है। अब इस रिवेट को ला के इसमें डालेंगे है कि नहीं, तो होल का डायमीटर इससे कुछ अधिक रहेगा तभी तो इसमें घुसेगा, तो इसके डायमीटर क्या किया है नॉमिनल डायमीटर, क्योंकि इसके डायमीटर क्या कहते हैं ग्रॉस डायमीटर। अब देखिए अब क्या हो गया, लेकिन हम रिवेट को लिख रहे हैं ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। अब देखिए इससे क्या होगा, ये होल से एक कुछ ना कुछ कम रहेगा अभी हम देख लेंगे, अब डालेंगे तो थोड़ा बहुत गैप बचा रहेगा है कि नहीं, थोड़ा क्या बचेगा आपका गैप बचेगा। और जब पीट पीट का जब पीटेंगे, पीट पीट के नीचे वाला भी वैसे ही बनाना है, नीचे वाला भी ऊपर की तरह बनाना होता है, जब इसको पीटेंगे या दबाएंगे तो क्या हो जाएगा फैल करके इसमें क्या हो जाएगा एकदम टोटली पैक हो जाएगा, और ये वाला कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा समझा। तो जोड़ में लगाने के बाद सैंक के ब्यास को क्या कहते हैं ग्रॉस डायमीटर, या हम सीधे कह देंगे होल के ब्यास को क्या कहते हैं ग्रॉस डायमीटर, दोनों का डायमीटर क्या रहता है सेम होता है। लिखिएगा यह होल का ब्यास होता है, बहुत बोले यार हम आज, यह होल का ब्यास होता है, आर सी सी में ज़्यादा मेहनत लग गई, बहुत समझाना पड़ा आज, क्या बोले यह होल का ब्यास होता है। लिखिए और लिखिए लाइन छोड़ के लिखिएगा दूसरा डिफिनेशन, रिवेट को जोड़ में लगाने, रिवेट को होल में लगाने के बाद उसके ब्यास को ग्रॉस डायमीटर कहते हैं, ग्रॉस डायमीटर कहते हैं। क्या पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट दूसरा पढ़िए तब ना, रिवेट को लगाने के बाद सही, तो उसके ब्यास मतलब रिवेट के ब्यास को, रिवेट रिवेट को होल में लगाने के बाद उसके ब्यास, उसके मतलब रिवेट के ब्यास को, तो ये तो सही है, ये जो लिखवाए हैं होल का ब्यास, हाँ तो होल का ब्यास ये दोनों का ब्यास तो सेम ही हो जाएगा ना, इसी में तो रिवेट लगा है, दोनों का ब्यास सेम होता है, होल का ब्यास और रिवेट का ग्रॉस डायमीटर दोनों सेम रहेगा, पैक रहते हैं ना। लिखिएगा ग्रॉस डायमीटर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ग्रॉस डायमीटर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, लिखिएगा लाइन छोड़ के लिखिएगा ग्रॉस डायमीटर नॉमिनल डायमीटर से डेढ़ या दो मीटर अधिक, दो एमएम अधिक रहता है, ग्रॉस डायमीटर नॉमिनल डायमीटर से डेढ़ या दो एमएम अधिक होता है, ग्रॉस डायमीटर नॉमिनल डायमीटर से डेढ़ या दो मीटर अधिक होता है, तो ग्रॉस डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर इजिकल टू डेढ़ से नहीं दो, डेढ़ से दो नहीं डेढ़ या दो, लिखिए स्टेटमेंट, ग्रॉस डायमीटर इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डाया प्लस दो एम एम, नॉमिनल डाया ग्रेटर देन 25 mm, कोई बैच आता।
चैन से सोते हैं। कब? नहीं टाइम मिला, नहीं आए, मन ही नहीं किया, कुछ लाना ही नहीं था इसलिए नहीं है। आज लाना खाते हैं। खाना हमको पसंद नहीं है, हमको खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। अब कहेंगे ऐसे पेट निकल गया, पहले पसंद था अब नहीं है। नहीं चावल तो हमको पसंद ही नहीं है, पहले था। लिखिएगा, हमको नहीं चावल पसंद, अपने बनाते हैं तो पसंद है। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, रिवेट लाइन या गेज लाइन। देखिए रिवेट लाइन या गेज लाइन, रिवेट लाइन या गेज लाइन लिखिए। बल के समांतर रेखा, यही लिखिए भाई, बल के समांतर रेखा, बल के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं रिवेट लाइन या गेज लाइन कहलाता है। बल के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं गेज लाइन या रिवेट लाइन कहलाता है। क्या? अरे नहीं भाई, उल्टा नहीं पढ़ाया जाता है, एक डिफिनेशन थ्री होता है। देखिए रिवेट लाइन गेज लाइन दिख रहा है कहीं, ये सारे लाइन कौन सा हो जाएंगे आपके, गेज लाइन हो जाएंगे, समझ आ रहा है ना। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, गेज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, फिगर में बाद में चेंज करिएगा फिर डिफिनेशन लिखिए। गेज डिस्टेंस दो रिवेट रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तिरछा नहीं मापना है, ऐसा नहीं तिरछा मापना है, लंबवत दूरी, दो गेज रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, रिवेट लाइन या गेज लाइन बात एक ही हुआ है ना, लेकिन गेज डिस्टेंस में गेज लिखिए। दो गेज लाइन के बीच की लंबवत दूरी गेज डिस्टेंस कहलाता है। ये सबका यूज आएगा फार्मूले में। दो गेज रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी गेज डिस्टेंस काला था, इसे स्माल जी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फिगर में किया है, इसे स्माल जी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, अगर देखिए पिच, PITCH, पिच यानी अंतराल, पिच यानी अंतराल, लिखिए, देख लीजिए पहले पिच समझिए। एक रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र लंबवत दूरी क्या कहलाता है आपका, पिच। किसी एक रिवेट रेखा आप ले लीजिए, सदारा दो निकटतम रिवेटों के बीच के बीच सेंटर से सेंटर मध्य से लिखेगा। किसी एक रिवेट रेखा पर स्थित, किसी एक रिवेट रेखा पर स्थित
किसी एक रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी पिच कर रहा था। देखिए आरसीसी में इतना थ्योरी लिखवाते थे नहीं, इसमें थ्योरी सारे आते हैं, सब आते हैं सब। हाँ इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। पी इसे मिनिमम पिच डी तो वो था ग्रा डायमीटर, इसमें स्मॉल पी से लिखिएगा, नोट लिखिएगा नोट। मिनिमम पिच का फॉर्म क्या होता है, मिनिमम पिच 2.5 डी। अब जे के एग्जाम में क्या आता है कि हम जानते हैं कि मिनिमम पिच 2.5 डी होता है, लेकिन डी क्या है, कौन सा डाया है, नॉमिनल डायमीटर। हमेशा डी के जगह हम लोग ग्रॉस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ क्या रहता है, नॉमिनल, क्योंकि हम बताएं अभी कि ग्रॉस डायमीटर को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ए वाला नॉमिनल है। ठीक है तो लिखिए नॉमिनल डाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज होगा। मेरे पढ़ाए हुए बाहर आप जे का किसी में नहीं आएगा भाई, अच्छे पढ़ लीजिए तो स्टिल करके देख लीजिएगा आरसीसी का, सबको जानते हैं। हाँ तो वो कह रहे थे कि पढ़ावा रहे तो 5% पॉलिटेक्निक करने का। अरे भाई एक्स्ट्रा दिया जाता है, लगे कि हाँ कुछ अलग दे रहे हैं, लेकिन आएगा तो पॉलिटेक्निक का, ये अलग से कहाँ से आएगा, तो जे के एग्जाम में कहाँ जाएगा। वो पढ़ के गलती कर रहा है, गलती नहीं कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो क्या होगा। ले ये तो हम पढ़े हैं, और जो आज जिसका नाम ले रहे हैं वो कितना पॉलिटेक्निक पढ़े हैं, उनका नाम लेते ही हम ऐसे कह दिए हैं, कितना पढ़े हैं वो हमको पता ही है। अब जो पॉलिटेक्निक में एकदम नहीं पढ़ा रहेगा, जाएगा तैयारी करने करेगा, बहुत कुछ ओ जो एक हफ्ता क्लास ही नहीं करेगा उसके लिए क्या है। लेकिन वो जिसको बात कर रहे हैं वो अभी जो पास, अरे नहीं वो तो पढ़ा है, और दूसरा ये तो पढ़ा हुआ है एक ही नाम कही रहते हैं, वो एक दो साल पहले का था, वो एकदम नहीं पढ़ा था, ये तो पढ़ा हुआ है। लिखिएगा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा दिया था, वो तो फ्यूचर के लिए ना, वो तो हमारी SSC जेई में थोड़ा हार्ड आता है, तो BTEC वाले साथ बैठते हैं, SSC जेई BTEC पॉलिटेक्निक साथ ही कराता है, तो उसमें तो लेवल BTEC वाला भी कुछ रहेगा, हाँ तो उसमें हार्ड आएगा, लेकिन ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब लिखिएगा। कहें हम दे लिखिए एक बार दिए हो तो दिए हो, हाँ जी लिखिए भाई लिखिए। विषम पिच, विषम का ऐसा है इंटीग्रेटेड कहते हैं कुछ, ऑड पिच कहते हैं, ऑड नहीं कहते, विषम पिच स्टेगर्ड कुछ चीज़ हम बोल नहीं पाते हैं, स्टेगर्ड स्पेलिंग तो नहीं पता, विषम पिच, इसको हम विषम पिच ही कहते हैं, विषम पिच स्टेगर्ड। अरे हमको याद है भाई STGGERAD है ना जी, अंदाज पे हम लिख देते हैं स्टेगर्ड पिच, विषम पिच। अब देखिए विषम पिच क्या होता है, दो निकटतम रिवेट है जो दो निकटतम रिवेट रेखाओं पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी क्या कहलाता है, विषम पिच। देखिए एक ही रिवेट रेखा पर था, लेकिन अब हमको लेना है कि दो निकटतम रिवेट रेखा रिवेट लाइन लेना है, दो निकटतम किसी दो निकटतम रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के मध्य केंद्र से केंद्र दूरी, एक ही रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र दूरी, ये दो निकटतम रिवेट रेखा के दो निकटतम रिवेटों के मध्य। ठीक है लिखेगा लंबवत, इसमें लिखा है इसमें मतलब किसी भी लंबवत बात, वही हुआ कोई दिक्कत नहीं, कहने मतलब दूरी मेजर करना है, हेलो
जब दूरी मेजर करना है तो ऐसा ऐसा थोड़ी कोई दूरी मेजर करेगा, है ना। दूरी मेजर करना है डायरेक्ट लंबवत ही मेजर करना है, ठीक है। तो लंबवत नहीं लिखवा रहे हैं, मतलब लंबवत ही लिखिएगा। किन्हीं दो रिवेट रेखाओं पर स्थित, किन्हीं दो रिवेट रेखाओं पर स्थित, किन्हीं दो रिवेट रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो रिवेट रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो निकटतम रिवेटों के किन्हीं दो निकटतम रिवेटों के किन्हीं दो रिवेट रेखाओं पर स्थित किन्हीं दो निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र लंबवत दूरी विषम पिच कहलाता है। केंद्र से केंद्र दूरी हाँ विषम पिच कहलाता है। इसे P1 से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल P1 P1 से प्रदर्शित करते हैं। अगला लिखेगा एज डिस्टेंस अब्लिक एंड डिस्टेंस, दोनों लिखिएगा। एज एज किनारा दूरी या जो भी हो, ई डी जी ई एज या ई एन डी एंड डिस्टेंस, एज या एंड डिस्टेंस अलग अलग होता है, एक ही में लिखवा दे रहे हैं। बुक में नहीं दिया है, दिया होगा भाई, दोनों नहीं दिया होगा, एंड नहीं दिया होगा उसमें। कुछ अलग पढ़ाएंगे तभी ना लगेगा बुक से, कुछ मास्टर के पास आने से फ़ायदा है। कहीं ना आपको मिनिमम पिच वहाँ दर्शाया होगा, दर्शाया होगा, नहीं दर्शाया मिनिमम पिच, पिच में डिफिनेशन में मिनिमम पिच अभी नहीं दिया होगा वो, ठीक है। हाँ लिखिएगा एज या एंड डिस्टेंस, लिखिए। देखिए एज और एंड डिस्टेंस क्या है भाई, देखिए प्लेट के किनारे से रिवेट के केंद्र तक की दूरी, लेकिन दो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इधर भी इधर भी, तो इस वाले को कहते हैं एंड, इसे क्या कहते हैं हम लोग एंड, यानी जब बल के समांतर मापेंगे तो उसे कहेंगे एंड डिस्टेंस, और इसे क्या कहते हैं एज डिस्टेंस, यही बस अंतर और कोई दिक्कत नहीं। लिखिएगा प्लेट के किनारे से, प्लेट 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 चार्ट वाला, प्लेट के फुल्की वाला, प्लेट के किनारे से रिवेट के सेंटर तक, रिवेट के सेंटर तक की दूरी को, प्लेट के किनारे से रिवेट के सेंटर तक की दूरी को एज या एंड डिस्टेंस कहते हैं। एज या एंड डिस्टेंस कहते हैं। लिखेगा एज डिस्टेंस को बल के लंबवत, एज डिस्टेंस को बल के परपेंडिकुलर, फोर्स के परपेंडिकुलर, एज को बल के लंबवत तथा तथा एंड डिस्टेंस को, तथा एंड डिस्टेंस को बल के समांतर मेजर करते हैं। मेजर करते हैं लिखिएगा एज डिस्टेंस, लिखिए फॉर एज डिस्टेंस में लिखिएगा एज डिस्टेंस फॉर मशीन कट, मशीन कट फॉर हैंड कट, हैंड कट वन पॉइंट, मशीन से हो जाएगा 1.5D और हैंड से हो जाएगा 1.5D
70 जहाँ डी क्या है भाई, ग्राह डायमीटर। लिख लीजिए गांधी जी ने किसको मारा है, वो तो दिल्ली चलो कहे थे। आज रहने देते हैं, थक है, कल पढ़ाएंगे फेलियर ऑफ रिवेट ज्वाइन, ठीक है। नींद नहीं थके आज थोड़ा, यार सीसी में ज़्यादा बोल दिए। कल आइए, कल न्यूमेरिकल भी लगा देंगे, वीडियो डाल देंगे। हाँ हाँ।